2024 रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की जमकर तारीफ की है। अपने देश लौटने के बाद मैक्रों ने भारतीय दौरे का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने यात्रा के अलग अलग पहलुओं को दिखाया है। वीडियो में वो भारत की जमकर तारीफ करते भी दिखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए मैक्रों ने लिखा, एक असाधारण यात्रा पर एक नज़र। वीडियो में मैक्रों ने कहा, भारत जैसे देश के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक, जनसांख्यिकी, आर्थिक और साथ ही तकनीकी शक्ति है, जो आगे आकर बदलते दुनिया को लीड करने वाला है। अतुलनीय, बीते कुछ सालों के दौरान हमने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग और साझेदारियों को बढ़ाया है। हम निश्चित रूप से भारत में अधिक से अधिक निवेश करना चाहते हैं। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम इससे आगे बढ़कर भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2030 तक 30,000 छात्र भारत से फ्रांस में आएं। मुझे लगता है कि भारत के लिए यूरोप में फ्रांस मुख्य द्वार की तरह है। मैक्रों के वीडियो पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रिप्लाई किया है। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, भारत में आपका होना सम्मान की बात है। आपकी यात्रा और गणतंत्र दिवस समारोह में भागीदारी से निश्चित रूप से भारत फ्रांस मित्रता को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों पिछले महीने 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे और वो 26 जनवरी को यहाँ गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। यहाँ उनका रेड कार्पेट वेलकम हुआ था। वो आमेर किला देखने गए और चाय की चुस्की का भी आनंद लिया था। मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ जयपुर में एक रोड शो में भी हिस्सा लिया था। मैक्रों के भारतीय दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम डील्स भी हुए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद भारत और फ्रांस ने 26 जनवरी को मिलिट्री हार्डवेयर के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का अनावरण किया। टाटा समूह और एयरबस ने संयुक्त रूप से H-125 हेलीकॉप्टर बनाने की घोषणा भी की। मैक्रों ने भारतीय छात्रों को भी फ्रांस में आकर पढ़ाई करने का न्योता दिया। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।